हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। आप देख रहे हैं इस चैनल को और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर वन आपकी इस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है ना। ओके, तो ये एग्जामिनेशन में यूनिट वन एक इम्पोर्टेंट यूनिट है और जिसकी बारे में आप लोग को चीज़ें मालूम नहीं है, उनमें से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम करने वाले हैं किसके बारे में, हम करने वाले हैं बुद्धिज्म के बारे में, ठीक है। बुद्धिज्म के अंदर आपके बौद्ध धर्म के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है इसके ऊपर तो जाके नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे जाके आप वहां से उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, जो मदद करेगा किसमें, आपकी यूनिट वन की प्रिपरेशन में आपकी मदद करेगा। एक वहां पे डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहां से जाके भी क्या कर सकते हैं आप, बाकी के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। एक वीडियो आपकी जैन धर्म के ऊपर भी बन चुकी है ना, उसको भी जाके देख सकते हैं। आज थोड़ा सा बात करेंगे हम बौद्ध धर्म के अंदर क्या बात करते हैं, ठीक है। ओके, स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास और उसी के साथ आज दिनांक है 5 फरवरी, दिनांक 5 फरवरी है और आपका एग्जामिनेशन की डेट्स जल्द ही आपके सामने होंगी, ठीक है। विद इन इस वीक, इस हफ्ते में आपको देखने मिल जाएंगी, ठीक है, आपकी डेट्स। तो उसके लिए तैयार रहिए और अगर आपने प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ तो आपको मालूम है क्या करना है, ज्वाइन करिए और फिर आराम से वीडियोस एंजॉय करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे किसके बारे में, बात करेंगे हम आज मेडिटेशन के बारे में, ठीक है ना। मेडिटेशन क्या होता है, सिंपल आपका ध्यान लगाना है ना। आप क्या करते हैं इसमें, इस मुद्रा में आप बैठ जाते हैं पालथी मार के, ठीक है, और ये आपके हाथ यहाँ पे इस तरह से, और क्या करते हैं आप यहाँ पे किसी चबूतरे पे, किसी चटाई पे, किसी पे भी बैठ के क्या कर लगाते हैं आप, यहाँ हो सकता है पीछे पेड़ हो, इस प्रकार से क्या लगाते हैं आप, ये लगाते हैं अपना ध्यान यानी कि मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन क्यों आवश्यक होता है, क्यों जरूरी होता है, इसके हमारे हेल्थ पे बेनिफिट है, लाखों करोड़ों वीडियो आपने देखी होंगी इसके ऊपर, तो वो हमारा मुद्दा नहीं है, ठीक है। लेकिन मेडिटेशन करने के फायदे क्या है, एक मुख्य फायदा ये है कि यह किसमें मदद करता है, हमको दबाव से बचाने में मदद करता है, यानी कि स्ट्रेस से बचाने में क्या करता है, ये हमारी मदद करता है, ठीक है ना। तो अब जब भी देखिए कोई बोलते हैं आपको बहुत स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, प्रत्येक अवस्था में आपको क्या बोला जाता है, आपको ये बोला जाता है कि आप क्या करिए, सुबह उठ के आप 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आप सक्षम है क्या करिए, आराम से चुपचाप बैठ के क्या लगाइए, ध्यान लगाइए, या फिर क्या करिए आप मेडिटेशन करिए या तो फिर योगा करिए ना, योगा, योग एक ही बात है, आप योग करिए या फिर मेडिटेशन करिए, जिससे क्या होगा आपको एंग्जाइटी, चिंता, विकार जो भी है सबसे आप क्या हो जाएंगे, कोसों दूर चले जाएंगे, ठीक है। ओके, उसी में एक बात निकल के आती है, वो क्या है, वो है आपकी माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ठीक है। माइंडफुलनेस क्या है यहां पे आपकी, ये है आपकी सचेतनता, ठीक है ना, यानी कि सचेतन की बात हो रही है यहाँ पे, और ये क्या है आपका, ये है आपका मेडिटेशन यानी कि ध्यान, ठीक है। इसकी जड़ें कहाँ मिलती है हमको, माइंडफुलनेस मेडिटेशन की बात कौन करता है, इसकी जड़ें हमको मिलती है कहाँ पे, हमको मिलती है बौद्ध दर्शन के अंदर, ठीक है। बौद्ध दर्शन में बात हुई है किसकी, आपकी माइंडफुलनेस मेडिटेशन की बात हुई है। आपके इसी माइंडफुलनेस मेडिटेशन में क्या होता है, ये क्या है, एक प्रकार का कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, आपको पूर्ण रूप से कॉन्सेंट्रेट करना होता है किसी चीज के ऊपर, क्या चीज है वो देखेंगे आगे लेक्चर में अभी, लेकिन इसमें क्या करना होता है आपको, कॉन्सेंट्रेट करना होता है, ठीक है। इस मेडिटेशन के अंदर किसी भी मेडिटेशन में आप कॉन्सेंट्रेशन ही करते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम बोलते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन। और इसका एक और नाम है जिसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका शमत या फिर शमठ, ठीक है, जो भी आपको नेट दे दे उस हिसाब से ये बात करता है शमठ मेडिटेशन की भी, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन और ये शमठ मेडिटेशन जो है, तीनों क्या है, तीनों एक ही चीज है। और इसकी जड़ें कहाँ मिलती है, जड़ें मिलती हैं इसको हमारी बुद्धिस्ट फिलोसफी के अंदर, ठीक है ना, बुद्धिस्ट दर्शन में हमको इसकी बात देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, देखिए कभी भी आप आग बंद करके बैठेंगे आपके आंखों के सामने क्या बनती है, आपकी आंखों के सामने इमेजेस बनती है ना, कुछ एक्स वाई जेड आपके स्कूल की, कॉलेज की, एग्जाम की,
कहीं ना कहीं के भी क्या बनते हैं, आपके सामने चित्र बनते हैं। अगर कहा जाए तो ये चित्र क्या है, एक प्रकार से आपके अनुभव होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, आपने आज तक जो भी जीवन में क्या किया है, एक्सपीरियंस किया है, अच्छा बुरा भला, वो सब क्या है आपकी आंखों के सामने एक प्रकार से, इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से एक के बाद एक क्या होता है, नए नए इवेंट्स आते जाते हैं। ठीक है, जो चीज आपने आज तक अनुभव नहीं की है उसकी प्रोबेबिलिटी, चांसेस बहुत कम होते हैं कि क्या होगा, वो आपको दिखेगा। जो आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो सब क्या होता है, आपकी आंखों के सामने आता है। ठीक है, भविष्य में क्या करने वाले हैं आप, है ना, वो शायद आपको 1% ही दिखेगा, लेकिन आपने क्या क्या किया जीवन भर में, पुराने जो आपके एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो आपके सामने क्या आते हैं, वो आपके सामने प्रकट होते हैं। ठीक है, इसका अगर आपको लाइव अनुभव करना है तो क्या करिए, कल सुबह उठिए, सुबह 6 बजे आराम से इस मुद्रा में बैठिए और आंखें बंद करके सिर्फ शांति से बैठ जाइए और आप देखिए चंद सेकंड में आप क्या महसूस करेंगे, आप बोरियत महसूस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, और जो भी आप इमेजेस देखेंगे वो सब कहाँ की होंगी, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की इमेजेस होंगी। ठीक है ना, तो आपके इस शमत मेडिटेशन के अंदर, शमत ध्यान के अंदर, बुद्धिस्ट फिलोसफी में जो बताया है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, इसमें क्या कहा जाता है कि आप क्या करिए, अपने एक्सपीरियंस को देखिए। ठीक है, आपके जो अनुभव है, है ना, आपके जो अनुभव है उनको क्या करिए, उन पे अटेंशन दीजिए। ठीक है ना, तो जो भी आपके सामने, आपकी आंखों की स्क्रीन के सामने जो भी आपके अनुभव आएंगे, अच्छे बुरे भले, जो भी जैसा भी आता जाएगा, उन सबको क्या करिए, उन सबको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप क्या करिए, उनको खोल खोल के देखिए। ठीक है ना, इसके बाद ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, एक एक चीज को क्या करना है, पल पल को क्या करना है, आपको देखना है आंखें बंद करके, विजुअलाइज ऑटोमेटिकली होता है वो। ठीक है, कुछ ऐसा बड़ा भारी करने की जरूरत नहीं होती है, बस क्या करना है उसको, एक एक चीज को बड़े ही आराम आराम से आपको देखना है कि अच्छा स्कूल में किसी ने आपका पेन चुरा लिया था, कॉलेज जाते में आपकी जो बस थी वो पंचर हो गई थी, ठीक है, जब आप पहली बार एग्जाम देने बैठे तो आपका कंप्यूटर बंद हो गया था, ये सारे जो एक्सपीरियंस आपने किए होंगे एक्सेट्रा, जो भी अन्य प्रकार के, उन सबको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, जब आप इन एक्सपीरियंसेस को देखेंगे, अब यहाँ पे शुरू आती है मेन कहानी, उसके अंदर क्या कि आपको जब इन सब चीजों को, आप इन इवेंट्स के सामने से जाएंगे तो क्या नहीं करना है, आपको जज यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है ना, जजमेंट यहाँ पे नहीं करना है कि किसी ने मेरा पेन चुराया तो वो बहुत बुरा है, वो बहुत भला है, किसी ने मेरी मदद की तो वो हमेशा अच्छा होगा, है ना। जजमेंट यहाँ पे किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए, यानी आपने मान लीजिए कोई अनुभव किया ए, ठीक है, तो उस अनुभव में क्या करेंगे आप, कुछ किसी भी प्रकार का जजमेंट नहीं करेंगे, और सेकंड आप नहीं क्या नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का इवेल्युएशन, मूल्यांकन नहीं करेंगे, है ना, कि मौसी ने बारात में ज्यादा पुड़िया खा ली थी तो क्या होगा, वो जो मौसी है बहुत ज्यादा खाना खाती है, इस प्रकार से कोई भी जो चीज है, कोई भी जो इवेंट है, कोई भी जो अनुभव है, उसका क्या नहीं करेंगे आप, मूल्यांकन नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है माइंडफुलनेस मेडिटेशन के अंदर, इस शमत मेडिटेशन के अंदर क्या करना है आपको, ना ही तो आपको इवेल्युएशन करना है, ना ही उस चीज का मूल्यांकन करना है, और ना ही उसको क्या करना है, जज करना है, ना ही उसके प्रति कोई निर्णय बनाना है या उसकी कोई व्याख्या अपने मन में बना लेनी है, जो हुआ सो हुआ, है ना। इसलिए तो क्या कर रहे हैं आप, मेडिटेट कर रहे हैं, आप ध्यान लगा रहे हैं। ठीक है, तो देखा गया है आपको क्या नहीं करना है, जजमेंट नहीं करना है, इवेल्युएशन नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो देखा गया है कि जो आपका सामान्य मेडिटेशन होता है ना, तो जनरल मेडिटेशन होता है, आग बंद करके बैठ जाना, प्लस आपका जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन है ना, सचेतन ध्यान है आपका जो, है ना, इसको क्या देखा गया है, ये दोनों किस में मदद करते हैं, आपके दबाव से लड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, अगर आपको स्ट्रेस है बहुत ज्यादा तो क्या करिए, आराम से बैठ के मेडिटेशन करिए, छू मंतर हो जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर। ठीक है, तो देखा गया है कि दबाव के में क्या करता है ये जो मेडिटेशन है, और माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, ये बहुत ज्यादा मदद करता है। इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, जे और ई ध्यान रखना है, कोई जजमेंट नहीं करेंगे आप उस पर्टिकुलर अनुभव के बारे में, और ना ही उसका क्या करेंगे आप, मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो जब ये चीज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका जो दुख है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। ठीक है ना, ओके, अब बात करेंगे हम इस शमट मेडिटेशन के बारे में, यानी कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बारे में हम बात करेंगे किस प्रकार से होता है। या तो आप क्या करिए, आराम से अपने पैर फोल्ड करके, जैसा बताया था आपको, इस प्रकार से बैठ जाइए, या फिर क्या करिए, आप इस प्रकार की एक कुर्सी के ऊपर भी बैठ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक बात का क्या ध्यान रखना है कि ये जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होगी, ठीक है, ये जो आपकी क्या होती है, ये स्पाइनल कॉर्ड होगी, ये कैसी होनी चाहिए, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, है ना। मतलब जैसे हम टिक के बैठते हैं ना, किसी कुर्सी के ऊपर टिक के बैठते हैं तो कैसे बोलते हैं, जो हमारी पीठ है,
वो कैसी होनी चाहिए, पूरी 90 डिग्री में होनी चाहिए। जिस प्रकार से स्पाइनल कॉर्ड कैसी होनी चाहिए आपकी, 90 डिग्री पूरी स्ट्रेट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आपकी 90 डिग्री में स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं बैठना है, लेट के नहीं बैठना है, ठीक है। वैसे में मेडिटेशन ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, ठीक है ना। आप कैसे बैठेंगे यहाँ पे, इस प्रकार से 90 डिग्री में बैठेंगे और फिर क्या करेंगे, अपनी आईज आप क्लोज कर लेंगे, ठीक है, आंखें बंद कर लेंगे। एंड देन उसके बाद ये आपकी आंखें हैं, ये बंद होने के बाद आपका फोकस पॉइंट कहाँ होना चाहिए, यहाँ जो हमारा एक चक्र होता है ना, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे फोकस होना चाहिए, जिससे आप क्या करेंगे, जो आपके डिस्ट्रेक्शन होते हैं वो क्या होंगे, आपके ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे, आपका ध्यान यहाँ वहां नहीं भटकेगा, ठीक है। केवल आप इस पॉइंट पे फोकस करेंगे जब आप, तो क्या होगा, आपको डिस्ट्रेक्शन वहां पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। फिर क्या करना है आपको, आपका जो फोकस है वो कहाँ पे शिफ्ट करना है, आपकी बॉडी के ऊपर शिफ्ट करना है। कि मतलब किस प्रकार से फोकस शिफ्ट करना है, मतलब एक तो यहाँ पे करेंगे और आपको ये देखना है कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, या बॉडी में कुछ हो रहा है, या आपके पेट से कुछ आवाज आ रही है, या आपके एब्डोमेन में क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है क्या नहीं। और आपको फिर कहाँ पे ध्यान देना है, ध्यान देना है आपको अपने श्वसन क्रिया के ऊपर, यानी कि आपको अपनी ब्रीथिंग के ऊपर क्या करना है, देन उसके बाद आपको ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान देना है। और फिर इन एंड आउट जो आप ब्रीथिंग करते हैं उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो जब आप इन सब पे ध्यान देंगे तो क्या होगा, आपका माइंड जो है वो चल विचल करेगा, है ना, चंचल है आपका माइंड, वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि ये जो व्यक्ति है एक्स जो इस प्रकार से बैठा है, ये क्या हो गया है, ये पागल हो गया है, पता नहीं क्या कर रहा है, ये अपनी ही सांसों को देख रहा है, अपने ही पेट के बारे में देख रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन आपको क्या बताया है, नो जजमेंट, है ना, जज नहीं करना है, जो हो रहा है वो होने दीजिए, कोई जजमेंट नहीं करना है, किसी चीज का इवेल्युएशन नहीं करना है, ठीक है। कोई आपको देख रहा है, आप यहाँ पे बैठे हैं कर रहे हैं, कोई आपको देख रहा है, आपको देख के हंसेगा, कुछ भी करेगा, तो उससे आपको क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। नो जजमेंट एंड नो इवेल्युएशन, कोई मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, फिर से अपना फोकस कहाँ पे ले जाना है, अपनी श्वसन क्रिया के ऊपर आपको अपना फोकस लेके जाना है, यानी कि अपनी ब्रीथिंग के ऊपर आपको अपना फोकस अगेन दोबारा वापस लेके जाना है। ध्यान रखिए, नो जजमेंट एंड नो इवेल्युएशन, ठीक है। फिर आपकी जो ब्रीथिंग है यही क्या करेगी, धीरे धीरे आपको आराम की स्थिति में ले जाएगी, यही आपको क्या करेगी बाद में, यही आपको रिलैक्स की अवस्था में लेके जाएगी, ठीक है ना। स्टार्ट कितने से करना है, स्टार्ट आप 2 मिनट से कर सकते हैं, 3 मिनट से कर सकते हैं ना, 5 मिनट, और फिर 10 मिनट, 15 मिनट, जितना ज्यादा देर आप बैठेंगे उतना क्या होगा, धीरे धीरे आपको क्या मिलेगी, आपको अपने जीवन में क्लैरिटी मिलती जाएगी। किसके बारे में, आपको अपने एक्शंस के बारे में, है ना, आपके संवेगों के बारे में, इमोशंस के बारे में, आपको अपने थॉट्स के बारे में, अपने विचारों के बारे में, ठीक है ना, इन सब के बारे में क्या होते जाएंगे, आप धीरे धीरे जागरूक होते जाएंगे, और आप क्या होते जाएंगे, धीरे धीरे आप थोड़ा सा सौम्य भी होते जाएंगे, है ना। आपको क्या होगा, आपका जो कॉग्निशन है वो अलग ही लेवल में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बात की किसके बारे में, हमने बात की सचेतन ध्यान के बारे में, यानी कि आपका जो माइंडफुलनेस होती है, ध्यान रखिए, माइंडफुलनेस मेडिटेशन की बात की। इसमें हमको क्या करना है, कोई निर्णय नहीं लेना है हमको, और ना ही किसी के प्रति या स्वयं के प्रति क्या नहीं करना है, हमको मूल्यांकन नहीं करना है हमारे अनुभवों का। चलिए, अब जो सब इतनी हमने रामायण पढ़ी किसके बारे में, रामायण, गीता, महाभारत, कुरान, बाइबल, जो भी आप समझें, एक्स वाई जेड, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा वो किसके लिए पढ़ा, वो पढ़ा इस प्रश्न के लिए जो पूछा गया था, कब जो पूछा गया था आपसे, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, माइंडफुलनेस 2022 में, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एट्रीब्यूट्स ऑफ माइंडफुलनेस, ठीक है ना, एट्रीब्यूट्स ऑफ माइंडफुलनेस, निम्नलिखित में कौन, सचेतनता, ठीक है, सचेतनता दी हुई है आपको, सचेतनता माइंडफुलनेस की विशेषताएं नहीं है। ये देखिए, एट्रीब्यूट आपके क्या होते हैं, गुणारोपण भी होता है और आपकी विशेषताएं भी होती हैं, तो ध्यान देना है थोड़ा सा आपको स्मार्टली तरीके से, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एट्रीब्यूट्स ऑफ माइंडफुलनेस, निम्नलिखित में से कौन सचेतनता माइंडफुलनेस की विशेषताएं नहीं है, पेशेंस, अच्छा, जजिंग, ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस, अटैचमेंट, धैर्य, फैसला करना, भरोसा, स्वीकृति और संलग्नता, ठीक है। अभी आपने लेक्चर देखा है ना, फटाक से आपने क्विक लेक्चर देखा, उसमें से आपने क्या समझा कि माइंडफुलनेस की जब भी बात होगी, माइंडफुलनेस मेडिटेशन की बात करते हैं हम, है ना, उसके अंदर क्या नहीं करना होता है, माइंडफुलनेस का एट्रीब्यूट्स क्या नहीं है यह पूछ रहा है ना, कि विशेषताएं नहीं है उसको पूछा है। तो आपको क्या ध्यान देना है, माइंडफुलनेस में आप क्या चाहेंगे, पेशेंस तो आपको देना ही होगा ना, पेशेंस आपको देना होगा, और फिर यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं आपको जजिंग, ठीक है। आपको मालूम है हम क्या नहीं करते, इसमें जज नहीं करते हैं, कोई भी हम फैसला
कोई भी हम निर्णय नहीं लेते हैं, और उसी के साथ साथ क्या नहीं करते हैं, हम मूल्यांकन नहीं करते हैं। ठीक है, जो भी जैसा है क्या करेंगे, हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। और क्या करना होगा हमको, हमको यहाँ पे अटैचमेंट है ना, हमको क्या नहीं दिखानी है, आसक्ति नहीं दिखानी है उस चीज से ना। आसक्ति दिखाएंगे तो क्या होगा, हम जो इतना माइंडफुलनेस बता रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, शब्द मेडिटेशन कर रहे हैं, उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए जरा, राइट आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, बी एंड ई ओनली, यानी कि हमको जजिंग और आपका अटैचमेंट। ठीक है, बी एंड ई ओनली, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है। ना ही हमको फैसला करना है और ना ही हमको संलग्नता शो करनी है। ठीक है, यहाँ पे अटैचमेंट आपकी जो आसक्ति है ना, वो लिखा हुआ है संलग्नता के ऊपर। ठीक है, फैसला करना और संलग्नता क्या नहीं है, सचेतनता यानी कि माइंडफुलनेस की विशेषताएं नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो क्या है इसमें, धैर्य है, पेशेंस है, ट्रस्ट है, भरोसा है ना, और स्वीकृति है, एक्सेप्टेंस है। जो हुआ सो हुआ, हमको जाके क्या करना है, उसको हमको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, ओके, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। हमने पढ़ा किसके बारे में, हमने पढ़ा माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बारे में, और उसी के साथ साथ हमने सॉल्व किया आपका एक 2022 का सवाल भी। ठीक है, ओके, तो इसी तरह के लेक्चर्स देखते रहिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए, नहीं करना है मत करिए, आपकी मर्जी है। देख लिया, पसंद आया, अच्छा लगा, लाइक करिए, नहीं करना है मत करिए, और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, ओके, ताकि क्या होगा, वहां पे आपको आने वाली अपडेट्स वगैरह बाकी सब वहां पे कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और अगर ज्वाइन करना चाहते हैं जून 2023 के लिए, तो इसी तरह की तैयारी कराते हैं, और बाकी फिर फरवरी का एग्जाम होने दीजिए, फिर हम देखते हैं। ठीक है, जून करना है तो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे अहेड।